वेलकम टू सोशल। बैटल ऑफ सारागढ़ एक ऐसा हिस्टोरिक बैटल है जिसे दुनिया के बेस्ट लास्ट स्टैंडिंग बैटल्स में से गिना जाता है, जहां 21 सिख सोल्जर्स की रेजिमेंट ने 10,000 अफगानियों से जंग लड़कर उन्हें हराया था। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी भी इसी रियल लाइफ बैटल पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम आपको बैटल ऑफ सारागढ़ की कहानी बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इन्वेड किया, उसके बाद से ही उनकी नज़र अफगानिस्तान पे भी थी, जहां कई बार उनके बॉर्डर एरियाज पे ब्रिटिश सेना अटैक कर दिया करती थी, जिसके कारण अफगान के लोगों में बहुत गुस्सा था। इसी वजह से अफगानियों ने कई बार ब्रिटिश इंडियन आर्मी पे अटैक भी किए, जिसके बाद अफगान इंडियन बॉर्डर पे टेंशन बढ़ गई। ये बॉर्डर एरिया पहाड़ों से घिरा हुआ था, जहां दो किले हुआ करते थे, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट। दोनों ही जगह ब्रिटिश सेना ने अपने सोल्जर्स तैनात किए हुए थे, पर सिंस ये दोनों किले पहाड़ों पे सिचुएटेड थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेट करना मुश्किल हो जाता था, इसीलिए दोनों किलों के बीच की माउंटेन रेंज पे एक और किला बनाया गया, जिसका नाम रखा गया सारागढ़ी। फोर्ट सारागढ़ी पे 21 सिख सोल्जर्स तैनात हुआ करते थे, जिनका मेन काम फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान को सिग्नल देना होता था। और सिंस उस वक्त टेलीफोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का होना पहाड़ों पर पॉसिबल नहीं था, तो ये सिग्नल्स मिरर्स के थ्रू दिए जाते थे, जिस प्रोसेस को हीलियोग्राफी कहा जाता है। फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लॉकहार्ट के कंपैरिजन में फोर्ट सारागढ़ी पे बहुत कम सोल्जर्स तैनात थे, तो अफगानियों ने इस पोस्ट पे अटैक करना सही समझा, क्योंकि अगर उन्हें फोर्ट सारागढ़ी मिल जाता तो दोनों मेन फोर्ट्स का कम्युनिकेशन रुक जाता और अफगानियों के लिए ये एक बड़ी जीत होती। इसी तरह से 12 सितंबर 1897 की सुबह फोर्ट सारागढ़ी पे तैनात 21 सिख सोल्जर्स की रेजिमेंट ने अपने सामने 10,000 अफगानियों को बैटल के लिए आते हुए देखा, और उन्होंने फोर्ट लॉकहार्ट पे सिग्नल भेजा कि उन्हें और सोल्जर्स की ज़रूरत है, क्योंकि 10,000 के सामने 21 सोल्जर्स का सर्वाइव करना इम्पॉसिबल था। पर ब्रिटिश सेना को लगभग 7 से 8 घंटे चाहिए थे, क्योंकि इतने सारे सोल्जर्स को एक साथ भेजने में भी टाइम लगना था, जिसके बाद सिख रेजिमेंट के लीडर हवलदार ईश्वर सिंह ने ऐलान किया कि हम चाहे 21 ही हों, पर हम इन 10,000 अफगानियों से अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हवलदार ईश्वर सिंह को भी पता था कि ये लड़ाई उनकी रेजिमेंट के लिए एक सुसाइड मिशन के बराबर है, पर वो उनमें से नहीं थे जो जंग के दौरान मैदान छोड़कर भाग जाएं। उन्होंने 21 सोल्जर्स के साथ ही लड़ना शुरू किया, जिसमें से कई सोल्जर्स तो जंग के लिए कभी तैयार ही नहीं किए गए थे। किसी का काम खाना बनाना था, तो किसी का मैसेज डिकोड करना, पर इस बैटल के लिए सभी ने अपनी जान लगा दी, क्योंकि उनका मेन मकसद दुश्मन को किसी भी हाल में आगे बढ़ने से रोकना था। इस लड़ाई की शुरुआत में ही ढेरों अफगानियों को सिख सोल्जर्स ने मार गिराया। फोर्ट की ऊंचाई पे होने की वजह से सिख सोल्जर्स के पास एडवांटेज था, जिसकी वजह से वो दुश्मनों की हर मूवमेंट को देख पा रहे थे। पर ये एडवांटेज भी कुछ ही घंटों तक काम आया, क्योंकि गोलियों और सैनिकों की कमी के कारण अफगानी धीरे धीरे किले के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने दो बार किले के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश भी की, पर उनसे ये नहीं हो पाया। फिर उसके बाद उन्होंने दीवार तोड़कर किले में एंट्री पा ली, और उसी दौरान कई सिख सैनिक भी मारे गए। अब सिचुएशन ये थी कि सिख सैनिकों के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने अपनी लड़ाई तलवारों या बिना किसी हथियार के ही जारी रखी। किले के अंदर घुसने के बाद भी अफगानियों को कई घंटों तक सिख सैनिकों ने कड़ी चुनौती दी, और जख्मी होते हुए भी हवलदार ईश्वर सिंह और उनकी रेजिमेंट लड़ती रही। हमारे कई सैनिकों को इस लड़ाई में जिंदा भी जला दिया गया, पर हर मुश्किल का सामना करते हुए वो आखिरी दम तक अफगानियों के सामने लड़ते रहे, जिसमें से सबसे आखिर में एक ही सैनिक बचा था, जो किले के सबसे ऊपर सिग्नल देने के लिए तैनात था। हिस्ट्री बुक्स में भी उनके बारे में मेंशन किया गया है कि जाते जाते उन्होंने भी 20 अफगानियों को मार गिराया था। सारागढ़ी की लड़ाई के अंत में सभी 21 सैनिक शहीद हो चुके थे, पर इन 21 सैनिकों ने लगभग 7 घंटे तक लड़ाई जारी रखी, जिसमें दुश्मनों की सेना के 600 लोग मारे गए और कई हजारों को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। लड़ाई के खत्म होने के बाद ब्रिटिश सेना के सैनिक किले पे पहुंचे, और उन्होंने इसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल में लिया, क्योंकि इतने घंटों की लड़ाई में कई अफगानी सोल्जर्स थक चुके थे और कई वापस भाग गए थे, जिसके कारण उनके पास ना ही कोई लीडर और ना ही लड़ने की स्ट्रैटेजी बची थी। बैटल ऑफ सारागढ़ी की उस समय पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी, क्योंकि एक बहुत ही हैरान कर देने वाली लड़ाई थी, जहां 21 सोल्जर्स ने 10,000 अफगानियों की सेना को हरा दिया था। इस बैटल के बाद उन 21 सोल्जर्स को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से ऑनर किया गया, जो उस समय इंडिया का हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड था। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अब आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।